अस्सलाम वालेकुम क्लास। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज स्टार्स, ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स एंड कलर ऑफ स्टार्स। आज हम स्टार्स, उसकी ब्राइटनेस और उसके कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार इज़ अ ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी मेड अप ऑफ हॉट गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ऑन ग्रेविटी। स्टार एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है। सेलेस्टियल मीन कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आसमान पर पाई जाती है। स्टार हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है। यह आसमान पर अपनी ग्रेविटी की वजह से एग्जिस्ट करता है। स्टार के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर फ्यूजन कॉज करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है बहुत सारे न्यूक्लाई का इकट्ठा होना। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से स्टार एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्टार की लाइट और उसकी हीट भी न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस की वजह से होती है। स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जब बहुत सारी डस्ट गैसेस आपस में मिलती हैं तो टेम्परेचर एंड एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से स्टार बनता है और इसकी लाइट प्रोड्यूस होती है। दुनिया में तकरीबन 200 मिलियन स्टार्स हैं। आवर सन, जो कि हमारी प्लेनेट ज़मीन के करीब है, वो भी एक स्टार है। ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स। ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स डिपेंड्स अपॉन टू मेजर एस्पेक्ट्स। नंबर वन, अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। नंबर टू, इट डिस्टेंस फ्रॉम आवर प्लेनेट। स्टार की ब्राइटनेस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक, उसकी एनर्जी जो कि वो हीट एंड लाइट की फॉर्म में रिलीज़ करता है। दूसरा, उसका डिस्टेंस ज़मीन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज भी एक स्टार है। ये ज़मीन के करीब होता है, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा चमकदार नज़र आता है और हमें हीट, लाइट एंड एनर्जी देता है। साइरियस भी एक स्टार होता है, लेकिन इसकी एनर्जी सन से बहुत कम होती है, क्योंकि साइरियस अर्थ से बहुत फासले पर मौजूद होता है, इसलिए इसकी रोशनी अर्थ तक पहुंचने में अलॉट ऑफ टाइम रिक्वायर होता है। इसलिए सन साइरियस से ज़्यादा ब्राइट स्टार होता है। कलर्स ऑफ स्टार्स। स्टार्स आर डिफरेंट इन कलर ड्यू टू देयर एनर्जी एंड डिस्टेंसेस। Stars are in red, orange, yellow, white or blue in color. Difference in color indicates the temperature of the stars. Stars के कलर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये उनके टेम्परेचर की वजह से होता है। हर एक स्टार का डिफरेंट टेम्परेचर होता है, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर एनर्जी पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा स्टार, उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा और जितनी कम एनर्जी रिलीज़ करेगा उतना कम टेम्परेचर होगा। एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्स के कलर को उसका टेम्परेचर मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। छोटे स्टार्स रेड कलर के होते हैं और कोल्डेस्ट होते हैं। मीडियम साइज़ के स्टार येलो कलर के होते हैं। छोटे स्टार्स को हम ड्वार्फ स्टार्स कहते हैं। लार्जर स्टार्स ब्लू और वाइट कलर के होते हैं, इसलिए इनकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है।